हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआईआर, डीबीटी, गेट, आईसीएमआर, आईसीआर, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करिएगा। अभी हो रहा था डाइमर फॉर्मेशन। देखिए जो होते हैं म्यूटेशंस के बारे में, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो। मेरा नंबर वहां पे, आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, सर ये प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा हुआ था, क्या होगा, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हो। लेकिन क्लास को थोड़ा सा रन करने दीजिए। नाउ बात करता हूँ मैं यहाँ पे टी के बारे में, दैट इज व्हाट डाइमर फॉर्मेशन होगा। अगर थाइमिन का डाइमर फॉर्मेशन होता है, इसके लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं डीएनए फोटोलाइज। और अगर एल्काइलेशन मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं एल्काइल ट्रांसफरेज, ठीक है, एल्काइल ट्रांसफरेज, ठीक है, एल्काइल ट्रांसफरेज होता है जो कि ये एल्काइल ट्रांसफरेज मेथाइल ग्रुप को अपने ही सिस्टीन के पास रख लेता है। और नाउ नो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक, डायरेक्ट रिपेयर में कोई भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक नहीं होता, सीधे चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में देयर इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक। यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक होता है। इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहले रिकॉग्निशन, फिर ब्रेकेज ऑफ द सीओपी, दैट इज द पीओसी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बेस रिमूवल, गैप फिलिंग एंड सीलिंग। ये जो तीन स्टेप होते हैं, पहले रिकॉग्निशन, ब्रेकेज एंड बेस रिमूवल, ये तीनों अलग अलग होते हैं अलग अलग रिपेयर सिस्टम में। लेकिन लास्ट के दो स्टेप होते हैं गैप फिलिंग एंड सीलिंग या लाइगेशन। गैप फिलिंग हमेशा डीएनए पॉलीमरेज 1 से होगा सर सब रिपेयर सिस्टम में, और लाइगेशन लाइगेज से होता है। एक्सीजन रिपेयर में दो तरीके के होते हैं, बेस एक्सीजन एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन। बेस एक्सीजन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक या दो न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में 3 से 8 न्यूक्लियोटाइड चेंज होते हैं। मिसमैच रिपेयर में सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक, ये पूरा का पूरा एक्सीजन एंड मिसमैच रिपेयर सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक के लिए इन्वॉल्व होता है। नाउ द डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक के लिए जो इन्वॉल्व होता है वो होता है रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, या यहाँ पे एक और मेथड आता है जिसको हम बोल सकते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज द नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग, क्या बोला जाता है, एनएचईजे। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर के लिए स्पेसिफिकली हम नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ सी सम इंपॉर्टेंट बेसिक रिपेयर मैकेनिज्म, दैट इज द डायरेक्ट रिपेयर। सी द डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट रिपेयर ऑफ द पिरिमिडीन डाइमर। जब थाइमिन का डाइमर बनता है तो यहाँ पे डीएनए फोटोलाइज चाहिए, ब्लू लाइट डिपेंडेंट होता है, यूवी यहाँ पे थाइमिन डाइमर फॉर्म करता है। दिस इज अ आयनाइजिंग रेडिएशन, ये थाइमिन का नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन थाइमिन का डाइमर फॉर्म कर रहा है। प्रोसेस इज नोन एज फोटोरिएक्टिवेशन। अगर एल्काइलेटेड गुआनिन है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए, जैसे देखिए गुआनिन को क्या कर दिया, एल्काइल ग्रुप मेथाइल ग्रुप से ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एल्काइल ट्रांसफरेज। क्या आ जाएगा, एल्काइल ट्रांसफरेज। एल्काइल ट्रांसफरेज जब आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये एल्काइल ट्रांसफरेज अपने ही मेथाइल को अपने ही सिस्टीन रेजिड्यूज पे इसको एक्सेप्ट करके वहां से मेथाइल ग्रुप को हटा देता है, रिपेयर कर देता है। दिस इज द डायरेक्ट रिपेयर ऑफ द थाइमिन डाइमर एंड फोटोरिएक्टिवेशन एंड द एल्काइल ट्रांसफरेज एक्टिवेशन। इज इट क्लियर? नाउ द इनडायरेक्ट रिपेयर, जो इनडायरेक्ट रिपेयर के बारे में बात करते हैं, इनडायरेक्ट रिपेयर इज द 3 टाइप्स। ये जो होता है 3 तरीके से होता है, एक बेस एक्सीजन, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन एंड मिसमैच रिपेयर। बेस एक्सीजन, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन एंड मिसमैच रिपेयर। बेस एक्सीजन में देखने की कोशिश करिएगा, बेस को एक्सीजन करेंगे, सिंपल प्रोसेस होगा, लास्ट प्रोसेस सब में कॉमन होगा, एक बार देखने की कोशिश करेंगे तो दैट इज व्हाट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड लाइगेज सब में आएगा। लेकिन उससे पहले प्रोसेस देखते हैं रिकॉग्निशन के लिए, यहाँ पे जो होता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, क्या काम करेगा, ये रिमूव करेगा सिर्फ बेस को, ओनली बेस को रिमूव करेगा। फिर उसके बाद एपी साइट क्रिएट होगा। एपी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए प्यूरिन और ए पिरिमिडीन। एपी का मतलब है ए प्यूरिन और ए पिरिमिडीन। ये ए प्यूरिन और पिरिमिडिन मतलब बेस हट जाएगा, तो उसको ए का मतलब एब्सेंट, प्यूरिन और पिरिमिडिन कौन सा बेस हटा है उसके अंदर, ये सारी चीजें हम इसको टर्म देते हैं ए प्यूरिन और पिरिमिडिन। उसके बाद आता है फॉस्फोडाइस्टरेज और एपी एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करेंगे, एसपी बैकबोन सुगर फॉस्फेट बैकबोन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा। जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो इस गैप की फिलिंग और सीलिंग जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेज के थ्रू होता है। दिस इज द बेस एक्सिजन रिपेयर। यहाँ पे जो होता है 1 से 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो रिमूव होते हैं। नाउ न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर में क्या होता है, यहाँ पे जैसे देखिएगा थाइमिन डाइमर फॉर्म है, यहाँ पे वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूवीआर प्रोटीन होते हैं। क्या ऑर्डर है होता है, एबीसीडी, एबीसीडी। ए आता है पहले रिकॉग्नाइज करेगा थाइमिन डाइमर को, बी आएगा, बी और सी मिलके इंडोन्यूक्लियस का काम करेंगे, कट करके गैप क्रिएट किया, और डी का काम होता है हेलिकेज का। डी का काम कैसा होता है जी, डी का काम होता है हेलिकेज का, डी का काम होता है हेलिकेज। डी कैसा काम करता है, हेलिकेज काम करता है। बी और सी इंडोन्यूक्लियस काम करते हैं और ये काम करता है रिकॉग्निशन। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ए आएगा रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ बी आएगा, जैसे सी आएगा ए बाहर, बी और सी मिलकर इंडोन्यूक्लियस का काम करेंगे। कैसा काम करेंगे, इंडोन्यूक्लियस का, और ये इस तरीके से चलता रहेगा। आर ई एच, ए बी सी डी आर ई एच, रिकॉग्निशन, इंडोन्यूक्लियस, हेलिकेज। ये आप लोग याद रखे रहिएगा। डी ए बी सी डी, यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी आर ई एच। दिस इज व्हाट द थिंग, ए बी सी डी आर ई एच, ठीक है। सो अगर आर ई एच, रिकॉग्निशन, इंडोन्यूक्लियस, हेलिकेज, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अब जैसे ही ये 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड यहाँ से कट हो गया, उसके बाद क्या जाएगा, पॉलीमरेज 1 एंड दिस इज द गैप, ये गैप क्रिएट हो जाएगा, इसको फिल करने के लिए पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेज आ जाएंगे। नाउ अब मिसमैच रिपेयर की बात करते हैं। मिसमैच रिपेयर में ए और सी, यहाँ पे मिसमैच में एक कॉन्सेप्ट आता है न्यू और ओल्ड स्ट्रैंड का। ओल्ड स्ट्रैंड से क्या किया जाता है, मेथाइलेट कर दिया जाता है, ओल्ड स्ट्रैंड को मेथाइलेट कर दिया जाता है ताकि न्यू स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई कर सके जिसमें कि म्यूटेशन हुआ है। इसमें 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, म्यूट एस एंड म्यूट एच। म्यूट एच का काम होता है रिकॉग्नाइज करना मेथाइल को, न्यू या ओल्ड स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करना, और इंडोन्यूक्लियस का काम होता है इसका, इंडोन्यूक्लियस। ये रिकॉग्नाइज करेगा इसको और जाके दूसरे स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा। कहाँ पे बाइंड करेगा, न्यू स्ट्रैंड पे। और मिसमैच को रिकॉग्नाइज करने का काम होता है एस का। एस जो होता है वो मिसमैच को रिकॉग्नाइज करता है और एच जो होता है वो इंडोन्यूक्लियस का काम करता है, ठीक है। एस जो होता है वो इंडोन्यूक्लियस का, एस जो होता है मिसमैच, एंड एच जो होता है वो इंडोन्यूक्लियस का काम करता है। ना उसके बाद इंडोन्यूक्लियस की तरह गैप क्रिएट करेगा, फिर पॉलीमरेज 1 ये गैप क्रिएट हो गया, जैसे गैप क्रिएट हुआ पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेज जाके फिल कर देंगे। दिस इज द इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। इज इट क्लियर गाइस, दिस इज द इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। होप कि आप सबको क्लियर होगा यहां तक। चलिए ग्रेट, आगे मूव करता हूं यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के बारे में बात करते। Your dream is to clear the CSIR-NET Life Science. I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Virendra Singh. Join me and my batch and individual courses on Unacademy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code VIREN or VIREN LIVE to get the 10% discount. Let's crack it. हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।